Hello students, I welcome you all in the online lecture series of Database Management System, and today I will impart my lecture on ER Components Part 2. So this is the Part 2 of our topic ER Components. So let's get started. Attributes. An attribute in an entity relationship model describes the properties or characteristics of an entity. अगर हम ER मॉडल देखें तो उसमें जो भी हमने ओवल शेप में जो एट्रीब्यूट्स दे रखे थे वो बेसिकली क्या बताते हैं, किसी भी एंटिटी की वो प्रॉपर्टीज बताते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल और एलिप्स शेप इन द ER डायग्राम. ER डायग्राम के अंदर आप एट्रीब्यूट्स को कैसे शो करते हैं, आप ओवल शेप या एलिप्स शेप को यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए. Every oval shape represents one attribute and is directly connected to its entity, which is rectangle in shape. ER diagram के अंदर अगर आपको attribute को show करना है, एक attribute के लिए आप एक oval लेते हैं और उसको directly आप connected दिखाते हैं. किससे? उस particular entity के साथ connection आप दिखाते हैं जिस particular entity की वो attributes हैं या जिसकी characteristics वो attributes बताते हैं. और जो एंटिटी होती है वो हमारी रेक्टेंगल होती है शेप में, ये भी हमने देखा. नाउ इस एग्जांपल की मदद से आप समझिए. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, एम्प्लॉय एज, सैलरी, मोबाइल नेम, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं या आप कह सकते हैं कि ये सब प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, एम्प्लॉय एंटिटी की. सो एम्प्लॉय एंटिटी यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में है और जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं या जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ओवल शेप में है और ये सब डायरेक्टली इससे कनेक्टेड रहती है. नाउ टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. हमने देखा कि एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट एंटिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज को हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमें देखना है कि कितनी तरह के एट्रीब्यूट्स हमारे ER डायग्राम में हम यूज कर सकते हैं. देखिए, 5 मेन एट्रीब्यूट्स हैं, आपको कहीं कहीं 6 भी दिखेंगे लेकिन ये 5 मेन हैं और जो 6th है जिसको हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट भी बोलते हैं. हम यहाँ पे एक हमने एट्रीब्यूट देखा हुआ है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट और एक होता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट. तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो सिंपल एट्रीब्यूट के अंडर ही आ जाता है. सो आपकी बेसिकली 5 एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे. पहला है सिंपल एट्रीब्यूट, देन कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. तो 1 by 1 हम इन्हें देखते हैं. सबसे पहले सिंपल एट्रीब्यूट. एन एट्रीब्यूट विच कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड अ सिंपल एट्रीब्यूट. इस लाइन का ये मतलब है कि कोई भी एट्रीब्यूट जो एक एटॉमिक वैल्यू रखता है, एटॉमिक मतलब एक यूनिक सिंगल वैल्यू रखता है, मल्टीपल वैल्यू नहीं, सिंगल वैल्यू, एक्सक्यूज मी, एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. तो ऐसा एट्रीब्यूट जो सिंगल वैल्यू रखता है और उसको फर्दर हम डिवाइड भी नहीं कर सकते वो एट्रीब्यूट कहलाता है सिंपल एट्रीब्यूट. वो एकदम सिंपल होता है, अपना सिंगल वैल्यू लेगा और बिल्कुल कोई फर्दर डिवाइडेशन उसमें नहीं होती है. एग्जांपल के तौर पे जेंडर, एम्प्लॉय एज एंड सैलरी. देखिए, हमने अभी वो सारे एट्रीब्यूट्स देखे थे इस एम्प्लॉय से रिलेटेड, जिसमें एम्प्लॉय आईडी से लेके ये सारे एट्रीब्यूट होते हुए मोबाइल नंबर तक हमने मेंशन किया था. अब इन एट्रीब्यूट्स में से ये जो 3 एट्रीब्यूट हैं, दैट इज जेंडर, एम्प्लॉय एज और सैलरी, ये हैं आपके सिंपल एट्रीब्यूट. क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो जेंडर एट ए टाइम एक ही होगा, फीमेल, मेल या ट्रांसजेंडर, या बस ये 3 कैटेगरी. एम्प्लॉय एज क्या है, एम्प्लॉय की अगर एज की भी बात करें तो एट ए टाइम आपकी एज एक सिंगल वैल्यू ही कंटेन करेगी. अगर आपसे करेंटली आपकी कोई एज अभी पूछेगा तो आप अभी जो डेट है उसके अकॉर्डिंग अपनी एज को आप बताएंगे. तो एट ए टाइम जो वैल्यू है वो एक ही होती है और आप उसको फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं. सैलरी, सैलरी भी आपकी सिंगल होती है, मल्टीपल सैलरी तो कभी होती नहीं है. अभी किसी भी एम्प्लॉय को अगर सैलरी मिलती है तो एक ही सैलरी है जो उसको मिलती है, तो वो भी एटॉमिक वैल्यू है और उसको भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. नाउ द सिंपल एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल. मतलब ये सिंपल ओवल से ही रिप्रेजेंट होता है, इसमें और कोई एडिशनल आप
कुछ सिंबल्स यूज नहीं करते हैं, जो सिंपल एक ओवल है उसी से आप सिंपल एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट एट्रीब्यूट आप बोल लीजिए कि मतलब जो पहली कैटेगरी है आपके एट्रीब्यूट की वो सिंपल से शुरू होती है, जो कहती है कि किसी भी एट्रीब्यूट में अगर एटॉमिक वैल्यू है और अगर हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सिंपल एट्रीब्यूट कहलाता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। देखिए आपको कॉम्पोजिट कीवर्ड से ही समझ में आ रहा है, कंपोजिट मीन्स जो कंपोज हो, जो किसी से मिल के बना हो। सो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से अधिक सिंपल एट्रीब्यूट का। अगर आप दो या दो से ज्यादा सिंपल एट्रीब्यूट को कंबाइन कर दो तो वो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा। और ER रिलेशनशिप या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में इस कंपोजिट एट्रीब्यूट को शो करने के लिए आप एलिप्स यूज करते हैं एंड दैट एलिप्स कंप्राइजेस ऑफ अदर एलिप्सिस। इस लाइन का मतलब आप इस एग्जांपल को देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है नेम का। नेम जो है वो तीन सिंपल एट्रीब्यूट से मिलके बना है। देखिए सिंपल एट्रीब्यूट क्या था, जो एटॉमिक वैल्यू रखता है, मतलब एक सिंगल वैल्यू रखता है और फर्दर उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या है, ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें कुछ सिंपल एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब वो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम उसको। देखिए डेटा तो सिंगल ही होगा, एटॉमिक वैल्यू ही होगी कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट के अंदर, लेकिन वो डिवाइडेड हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ नेम का, आपका नेम तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम को भी हम एक एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। अब फर्स्ट नेम एक सिंपल एट्रीब्यूट कहलाएगा, रीजन कि आपका जो फर्स्ट नेम होगा वो एक एटॉमिक वैल्यू रखेगा और साथ के साथ आप फर्स्ट नेम को तो और डिवाइड नहीं कर सकते ना। आपका जो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो नाम है वो है नीलम सुंडा, तो जो फर्स्ट नेम है, मान लीजिए मिडल नेम नहीं है, या मिडल नेम में मान लीजिए मैं नाम अपना आपको बता देती हूँ कुमारी नीलम सुंडा, तो जो फर्स्ट नेम है वो क्या हो गया कुमारी, मिडल नेम हो गया नीलम, और सरनेम जो मेरा लास्ट नेम है वो क्या हो गया सुंडा, तो कुमारी नीलम सुंडा। तो इन तीनों को जब मिला देंगे तो ये एक नेम बन जाएगा कंप्लीट। और ये जो नेम एट्रीब्यूट होगा यहाँ पे उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, लेकिन जो फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम है वो क्या कहलाएंगे सिंपल एट्रीब्यूट, क्योंकि फर्स्ट नेम अगर कुमारी है तो कुमारी को और फर्दर आप डिवाइड तो कर नहीं सकते, और ना ही कुमारी की जगह कोई और आप डेटा रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नेम जो एक नाम है वो तो एक ही रहेगा, अलग अलग नाम तो होंगे नहीं, आपके टेबल में हमेशा एक ही नाम ऐड होता है। और अगर मिडल नेम है तो मिडल नेम मेरा नीलम है, तो नीलम को फर्दर आप कैरेक्टर्स में तो डिवाइड करेंगे नहीं, वो तो एक पूरा वर्ड है और पूरा का पूरा वर्ड ही आपके टेबल में जाके स्टोर होता है। सो जो नेम एट्रीब्यूट है आपका एम्प्लॉय एंटिटी में वो किस किस से मिलके बना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पे मिडल नेम को मैंने सेकंड नेम लिखा है, तो ये एक ही बात है, मिडल नेम और सेकंड नेम एक ही चीज होती है। सो आई होप आप कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट समझ पाए हो कि कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या है। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल एट्रीब्यूट्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम ER डायग्राम में, जब एक ओवल से और ओवल डायरेक्टली कनेक्टेड हो। अभी यहाँ देखिए सारे जो ओवल हैं, ये सारे जो ओवल हैं और नेम ओवल जो भी है या नेम एट्रीब्यूट जो भी है जो है यहाँ पे वो डायरेक्टली एंटिटी से रिलेटेड है, लेकिन जब एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट आपके किसी एट्रीब्यूट के साथ ही कनेक्टेड हो, मतलब एक ओवल दूसरे ओवल से ही कनेक्टेड हो, इस फॉर्म में मल्टीपल ओवल है और एक किसी सिंगल ओवल से अगर वो कनेक्टेड है, तो वो आप देखते ही समझ जाए कि ये कहीं ना कहीं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Now third is key attribute. This is the most important attribute in ER model. देखिए key मतलब कि primary key. जब भी key आए तो आप समझ जाइए कि simple अगर single key यहाँ पे mention किया हुआ है तो वो primary key होता है. An attribute which can uniquely identify an unique entity in an entity set is called a key attribute. अब आपको पता है एंटिटी सेट क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एंटिटी सेट क्या है, बेसिकली कलेक्शन होता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स का। एक टेबल में अगर मल्टीपल एंटिटी है
या एंटिटी को हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, तो उनका जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोल देते हैं, एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट मतलब कि टेबल का डेटा, ओके। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो टेबल के अंदर ही है, और रिकॉर्ड्स को ही हम एंटिटी बोल रहे हैं, और उन्हीं के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एंटिटी सेट। मतलब रिकॉर्ड का सेट मतलब कि रो का सेट, एंटिटी को रिकॉर्ड भी बोलते हैं रो भी बोलते हैं। तो रोज का सेट मिला के तो हम पूरी टेबल बना देते हैं। तो टेबल के अंदर अगर आप किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो वो किस एट्रीब्यूट की मदद से कर पाते हैं, की एट्रीब्यूट की मदद से, मतलब कि प्राइमरी की मदद से। सो फिर से देखिए, एन एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी इन एन एंटिटी सेट इज कॉल्ड अ की एट्रीब्यूट। तो किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को आप पूरे एंटिटी सेट में से, इसको मैं और अलग तरीके से कहूँ तो किसी भी एक पर्टिकुलर रो को आप पूरे रो के सेट में से अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, तो आप किसकी मदद से कर पाते हैं, की एट्रीब्यूट की मदद से। इट रिप्रेजेंट्स अ प्राइमरी की इन ईआर डायग्राम, जैसे कि मैंने बताया की मतलब की प्राइमरी की, और प्राइमरी की होती है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम द की एट्रीब्यूट इज डिनोटेड बाय एन ओवल विद एन अंडरलाइंग लाइन। आप इस एग्जांपल को फिर से देखिए, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी था, एम्प्लॉय नेम था, जेंडर था, एम्प्लॉय एज था, एम्प्लॉय सैलरी थी। अब इस एग्जांपल में जो एम्प्लॉय आईडी है उसके नीचे एक अंडरलाइन है, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन है तो वो कहलाएगा की एट्रीब्यूट, ओके। सो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इस पूरे ईआर डायग्राम में हमारा की एट्रीब्यूट है। तो वो कैसे आप पता करेंगे, आप पता करेंगे अंडरलाइन की मदद से। अगर कोई भी की एट्रीब्यूट या कोई भी एट्रीब्यूट अगर अंडरलाइंड है, तो आप देखते ही पता कर लेंगे कि ये प्राइमरी की है या प्राइम की एट्रीब्यूट है। नाउ फोर्थ एट्रीब्यूट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इस लाइन का ही मतलब है कि अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू आप किसी एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट से डिराइव कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली उस एट्रीब्यूट की, एट्रीब्यूट क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए एम्प्लॉय जो है उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका डेटा अभी आपको नहीं पता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डेटा आपको पता है या जो एग्जिस्टिंग आपको एट्रीब्यूट्स पता है, उनकी मदद से अगर आप उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का डेटा फाइंड आउट कर लो, तो उसको क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ये और अच्छे से समझ पाएंगे इस एग्जाम्पल की मदद से। ये देखिए, एम्प्लॉय एंटिटी है और उसकी ये एट्रीब्यूट्स हैं। इन सभी एट्रीब्यूट में एक एम्प्लॉय एज करके भी एट्रीब्यूट है। मान लीजिए कि आपकी जॉब लगी और आपने जो फॉर्म भरा उसमें आपका एम्प्लॉय आईडी आपको पहले से मिल गया जनरेट होके, आपने अपना नेम एंटर कर दिया, आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर हो गया, और आपका अदर डिटेल जो भी है इसमें, एम्प्लॉय की जगह यहाँ सैलरी भी आना चाहिए था, एम्प्लॉय की सैलरी भी आ गई, लेकिन एम्प्लॉय की जो एज है उस एट्रीब्यूट में कोई डेटा नहीं है, तो क्या आप इस डेटा को, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के डेटा को डिराइव कर सकते हैं? डिराइव करना मतलब फाइंड आउट करना, पता लगाना, ठीक है। एग्जिस्टिंग किसी डेटा से जब आप कोई डेटा निकालते हो, कोई रिजल्ट निकालते हो, तो उसको डिराइव करना बोलते हैं। सो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर किसी एम्प्लॉय आईडी की मैं आपको, एम्प्लॉय की अगर किसी भी एम्प्लॉय की मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता दूँ, तो क्या आप उसकी एज पता लगा सकते हैं? जी हाँ, आप क्या करेंगे, आप करंट डेट को देखेंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे, और जो डिफरेंस निकल के आएगा वो उसका एज होगा। सो आपको अगर किसी का भी डीओबी दे दें या डेट ऑफ बर्थ दे दें, तो आप उसका इजीली एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनका जो डेटा है वो कहाँ से डिराइव किया जाता है, एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट से, तो उनको बोला जाता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब फिर से हम इस लाइन को पढ़ेंगे, एन एट्रीब्यूट विच कैन बी डिराइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी अदर एट्रीब्यूट से डिराइव किया जाता है, हमारे केस में एम्प्लॉय एज एट्रीब्यूट के वैल्यू को या डेटा को कहाँ से डिराइव किया गया, डीओबी से, डेट ऑफ बर्थ वाले एट्रीब्यूट से, तो उस केस में हमारी जो एम्प्लॉय एज वाला एट्रीब्यूट है वो क्या कहलाएगा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट।
और डिराइव्ड एट्रीब्यूट आप कैसे ही देख के पहचान सकते हैं। अगर कोई भी एट्रीब्यूट इस डैश्ड ओवल शेप में हो तो आप उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे एज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ओके, इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम दीज एट्रीब्यूट्स मीन्स विच एट्रीब्यूट्स, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई अ डैश्ड ओवल शेप। नाउ द लास्ट एट्रीब्यूट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। देखिए, इसका नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है, ऐसा कोई एट्रीब्यूट जिसकी मल्टीपल वैल्यू हो। मल्टीपल का शॉर्ट यहाँ पे है मल्टी, वैल्यूड मतलब डेटा। एन एट्रीब्यूट विच कंटेन्स मोर देन वन वैल्यू फॉर अ गिवन एंटिटी, ऐसा कोई एट्रीब्यूट जिसमें एक पर्टिकुलर एंटिटी के रेस्पेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज होती है या मल्टीपल डेटा होता है, उसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर और ईमेल। हो सकता है एम्प्लॉय के पास दो मोबाइल नंबर हो, एक उसका ऑफिशियल मोबाइल नंबर और एक उसका पर्सनल। तो इस केस में इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए दो डेटा हो गए, दो वैल्यूज हो गई, तो ये हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसी तरीके से इन द सेम वे ईमेल की अगर बात करें तो ईमेल भी एक एम्प्लॉय का एक से ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए उसका याहू पे एक ईमेल याहू का है और एक जीमेल का है, तो उस केस में ईमेल हो गए दो, मतलब दो वैल्यूज हो गई इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के रेस्पेक्ट में। सो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू एक से ज्यादा होती है उनको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। और इनको कैसे हम शो करते हैं? इनको हम शो करते हैं डबल ओवल से। ये आप कैसे देखते ही पहचानेंगे यह डायग्राम में? आप जैसे ही देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट डबल ओवल शेप में है, मतलब डबल बाउंड्री है जिसकी, तो वो कैसा एट्रीब्यूट है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ER डायग्राम। और ये ER डायग्राम का हम जो कॉम्पोनेंट था वो था सेकेंड कॉम्पोनेंट। फर्स्ट कॉम्पोनेंट हमने देखा था एंटिटी, और ये सेकेंड कॉम्पोनेंट था, दैट इज एट्रीब्यूट्स। थर्ड कॉम्पोनेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और वो है रिलेशनशिप। और इस लेक्चर के पॉइंट्स को आप अगर और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इन वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।